हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाट। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा न्यू डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप लेडीज हाफ जैकेट, गर्ल्स जैकेट, शॉल, स्टोल, मफलर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको देखिए इस तरह से 2 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे। इसमें कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप उल्टी सिलाई से फंदे बढ़ा लीजिएगा और सीधी सिलाई से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। जैकेट में इसे अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं तो आप इसे बॉर्डर बना करके ऊपर भी अप्लाई कर सकती हैं, या फिर आप ऐसे ही फंदे डाल के इसे स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर सकती हैं। शॉल स्टोल में भी आप इसे स्टार्टिंग से ही बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 12 फंदे लिए हुए हैं। डिजाइन की पहली सिलाई है। ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगी। बहुत ही आसान ये डिजाइन है। पहला फंदा आप उतार भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। इस डिजाइन में उल्टी और सीधी दोनों साइड से सीधी सिलाइयां बनेंगी। तो देखिए, पहला फंदा बनाने के बाद देखिए आगे कैसे करना है। इस तरह से लेंगे एक और ये दो, दो बार लपेट के फंदा सीधा बना देंगे। फिर से ऐसे ही करना है, एक और ये दो। पूरी सिलाई हमने इस तरह से ही कंप्लीट करनी है, एक और ये दो। सिलाई पर दो बार धागा लपेटेंगे और फंदा सीधा बना देंगे। देखिए, एक और ये दो। आपके जितने भी फंदे हैं आप इस तरह से पहली सिलाई इसकी कंप्लीट कीजिएगा। जितने भी फंदे होंगे ऐसे ही एक और ये दो, दो बार लपेटकर हमने इनको बनाना है। एक फंदा रहने तक इसके सारे फंदे बनाने हैं। एक फंदा एस्टिज हमने इधर रखना है और एक हमने इधर रखना है। बाकी के बीच के फंदे हमने सारे ऐसे ही दो बार लपेटते हुए सीधे बना लेने हैं और लास्ट का फंदा सीधा। अब आ जाइएगा इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से भी इसकी सिलाई पूरी सीधी ही बनेगी। पहला फंदा है, इसे आप बना भी सकती हैं और उतार भी सकती हैं। तो देखिए, पहला फंदा मैं इसका बना लेती हूँ। अब देखिए, ये जो हमारे लपेटे हुए फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से खोलेंगे, एक और ये दो। दो फंदे खोलने के बाद इन्हें हम वापस इसी सिलाई पर ले लेंगे। अब देखिएगा, ये फंदा हमने पहले बनाना है और ये बाद में बनाना है, लेकिन ये फंदा हमने इसके बीच में से निकालना है। तो ऐसे लेंगे और इसको यहां ले लेंगे और इसको पहले बुन के इसे सिलाई से उतार देंगे, उसके बाद हम इस वाले फंदे को बनाएंगे। अब अगले वाले फंदे लेंगे, एक और ये दो। दोनों फंदे को इस तरह से खोल लेंगे। फिर से वही करना है, इसे हम इस सिलाई पर लेंगे। ये फंदा पहले बनाना है, ये बाद में, लेकिन इस फंदे के बीच में से ऐसे लेकर आएंगे और इसको सीधा बना देंगे। इसको उतार देंगे, अब इसको बना देंगे और फिर इसको भी उतार देंगे। फिर अगले वाले दो फंदे लेंगे, इनको हम पहले खोल लेंगे, एक और ये दो। दोनों फंदे को वापस सिलाई पर ले लेंगे। इस फंदे के बीच में से इस अगले वाले फंदे को ऐसे ले आएंगे और इसको सीधा बना देंगे। फिर इस फंदे को भी बना देंगे। फिर अगले वाले फंदे लेंगे, देखिए, एक और ये दो। दोनों फंदे को वापस इस सिलाई पर लेंगे और इसके बीच में से देखिए इसको ऐसे ले लेंगे और इसको सीधा बना देंगे। बहुत ही आसान ये डिजाइन है। फिर से नेक्स्ट वाले फंदे खोलेंगे, एक और ये दो। दोनों फंदों को वापस इसी सिलाई पर लेंगे, इसके बीच में से इसको निकालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे और फिर इस वाले फंदे को भी बना करके उतार देंगे और लास्ट का फंदा सीधा। यही दो सिलाइयां हमने दोबारा से रिपीट करनी है। तो एक बार फिर से आपको बना करके दिखाती हूँ। देखिएगा, सीधी साइड है, पहला फंदा आप बनाइए या उतारिए। तो मैं इसे बना लेती हूँ। पूरी सिलाई हमने फिर से ऐसे ही बनानी है। देखिए, इस तरह से एक और ये दो बार लपेटेंगे और सिलाई को इस तरह से सीधा बनाते जाएंगे। ऐसे ये फंदे थोड़े अगर आपको ऐसे लगे तो इनको हल्का सा ऐसे करके सीधा कर लीजिएगा। फिर देखिए, ऐसे एक बार लपेटा और ये दो बार। फिर अगले फंदे को भी ऐसे ही करेंगे, एक और ये दो बार लपेट कर हम फंदा सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई ही हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। बहुत ही आसान ये डिजाइन है। आप इससे अगर आप अपने लिए हाफ जैकेट पर अप्लाई करती हैं तो बहुत ही सुंदर आपकी जैकेट बनेगी।
ये देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। उल्टी सिलाई फिर से हमने इसकी पूरी सीधी बनानी है। तो पहला फंदा है इसे मैं सीधा बना लेती हूँ। अब ये देखिए इस फंदे को खोलेंगे और इसको भी खोल लेंगे। दो फंदे खोलने के बाद इनको वापस सिलाई पर लेंगे। ये फंदा पहले बनाना है और ये बाद में, लेकिन इस फंदे के बीच में से इसको निकाल कर लाएंगे और इसको पहले सीधा बना के सिलाई से उतार देंगे, फिर अगले वाले को बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे खोलेंगे, इनको सिलाई पर वापस लेंगे, इसके बीच में से इस फंदे को ऐसे ले आएंगे और इसे सीधा बुन देंगे, फिर अगले वाले फंदे को बनाएंगे। फिर से वही करेंगे, एक और ये दो फंदे खोलेंगे, इन्हें वापस सिलाई पर लेंगे और देखिए इस तरह से लेंगे और इसके बीच में से इसको निकाल लेंगे और इसको सीधा बना देंगे, फिर अगले वाले फंदे को भी बुन देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले फंदे खोलेंगे, इनको सिलाई पर लेंगे, इसके बीच से इसको निकालेंगे, इसको पहले बनाएंगे और इसको बाद में बनाएंगे। देखिए एक और ये दो फंदे हमने खोले, इनको सिलाई पर लिया, ये फंदा हमने बाद में बनाना है, ये पहले बनाना है, तो इसके बीच में से निकाल कर लाना है। देखिए ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे बना देंगे, फिर इसको बना देंगे, लास्ट का फंदा सीधा। इस तरह से आपको यही दो दो सिलाइयां बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये सुंदर सा डिजाइन आपका देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स ये डिजाइन अगर आप जो है थोड़ी सी मोटी ऊन में बनाएंगी तो बहुत ही सुंदर बनेगा। पतली ऊन में भी बन जाता है लेकिन मोटी ऊन में ज्यादा सुंदर लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।